इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तवांग में भारत चीन का हुआ टकराव। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प। भारतीय जवानों ने 600 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तवांग में भारत चीन के बीच हुई झड़प। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प। झड़प के बाद भारतीय जवानों ने 600 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। एलएसी में चीन ने दूसरी बार अरुणाचल में की घुसपैठ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों सेनाओं में हुई झड़प और पथराव। एक बार फिर चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तवांग में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प। झड़प के बाद भारतीय जवानों ने 600 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। एलएसी में चीन ने दूसरी बार अरुणाचल में की घुसपैठ। इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों सेनाओं में झड़प और पथराव हुए हैं। एक बार फिर चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। भारत के 20 जवान जख्मी हुए। तो वहीं 9 दिसंबर को ये घुसपैठ हुई थी। आपको बता दें, तवांग झड़प पर अरुणाचल के बीजेपी सांसद चीनी सेना कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा तपीर गांव ने बोला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलएसी ने चीन में दूसरी बार अरुणाचल में घुसपैठ की है। इस वक्त की बड़ी खबर।